का ना। यहां तक तो तुम पहुंच गए, लेकिन बचेगा दो में से एक ही। हो ना हो, इस राक्षस के प्राण उस तोते में ही है। दाओ। मेरी मृत्यु का बदला आक्रांत तक लेगा। काना, रक्षांतक की कहानी तो अब समाप्त हुई, अब वो हमारे रास्ते में रोड़ी नहीं डाल पाएगा। दाओ, परसों पूर्णिमा है, अब हमें जल्दी करनी चाहिए ताकि उस दिन तक हम गुरु परशुराम के निवास तक पहुंच सके। पूर्णिमा को ही क्यों? क्योंकि हर पूर्णिमा अपने आप में शुभ होती है दाओ, उस दिन किए गए कार्य से सब शुभ होता है। और आपको मैंने बताया था ना दाओ कि गुरु परशुराम से हमें आने वाले भविष्य का मार्गदर्शन मिलेगा, और ऐसे अस्त्र शस्त्र भी मिलेंगे जिनका आने वाले समय में धर्म की स्थापना के लिए हमारे पास होना आवश्यक है। हाँ कान, तुम ठीक कह रहे हो, अब चले। दाओ, आप ठीक है? हाँ काना, मैं ठीक हूँ। परंतु ये कैसी माया थी, हमारे पैरों के नीचे से भूमि गायब हो गई। वो देखिए, विचार तक के जाल में फंस गए। दाव, हम भी उन्हीं के क्षेत्र में आए, हमें भी उनका सामना करना होगा। आक्रांतक, सामने आओ, सामने आओ, कि अपने भाई रक्षांतक की मृत्यु से डर गए हो तुम। तुम बालकों ने मेरे भाई को परास्त कर दिया, और तुम्हें ये भ्रम हो गया है कि तुम मुझे भी परास्त कर दोगे। मैं रक्षांतक नहीं, आक्रांतक हूँ, आक्रांतक। सामने आओ, फिर देखते हैं तुम क्या हो। ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ की हर वस्तु मेरा कहा मानती है। देखो, बहुत घमंड है तुम्हें तुम्हारी शक्ति पर। आओ सामने, युद्ध करो मुझसे। तुम्हें आत्महत्या करने की बहुत जल्दी है बालक, पर पहले ये सिद्ध तो करो कि तुम सचमुच हमसे लड़ने योग्य हो, फिर हम तुमसे युद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करें? तुम्हें तीन कार्य करने हैं। दूसरे प्रहर की समाप्ति के पहले तुम्हें अपने कार्य पूरे करने हैं। कार्य न करना चाहो या समय पर कार्य पूरे न कर पाओ, दोनों स्थितियों में तुम दोनों भाई मूर्ति बन जाओगे, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है और अब मेरी इच्छा के बिना तुम्हारा यहाँ से निकलना असंभव है। किंतु कार्य क्या है? ये मेरे क्षेत्र के पेड़ पौधे या जीव जंतु ही तुम्हें बता देंगे। ये चीटियां हमें कुछ संकेत दे रही है काना। दूसरे प्रहर के पूर्व नीलकंठ के पास पहुंचो। नीलकंठ तो शिवजी को कहते हैं। हाँ काना, परंतु महादेव तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, दूसरे प्रहर के पहले हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं काना? हम तो इस क्षेत्र के बाहर भी नहीं जा सकते। दाओ, इसका अर्थ ये है कि हमें महादेव को यहीं कहीं पर ढूंढना होगा। चलिए। जंगल के बीच में रेगिस्तान, पता नहीं क्या माया रच रहा है।
क्या खोज रहे हो तुम? जाओ, महादेव यहीं कहीं पे होंगे, ये धूल उन्हें छुपा नहीं सकती। चलिए जाओ। काना, वो देखो, वो रे महादेव पद्मासन में। हाँ दब, चलिए हमें उनके पास जाना। चलो दाऊ। काना, चारों तरफ तो दलदल है, महादेव नीलकंठ तक कैसे पहुंचेंगे हम? हमें पहले देखना होगा कि दलदल है कहां। लगता है आगे भी सब दलदल ही है। ये पत्थर जिस पर बादलों की छाया है, दलदल में डूब नहीं रहा है, जरूर ये भूमि पर ठोस है। दब, मैं आगे जाता हूं, यदि मैं सुरक्षित रहा तो आप भी आ जाइएगा। किंतु दाऊ, जिस प्रकार मैं आया हूँ आप भी वैसे ही आइएगा। दाऊ, ये बादल हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। ये तो महादेव है ही नहीं। कार्य था कि नीलकंठ के पास पहुंचना, किंतु ये तो नीलकंठ है ही नहीं। ये कैसी माया? कमंडल आक्रांत तक के पास पहुंचा। दुकाना, कमंडल तो यहां है ही नहीं। आना, वो देखो, हमें इस वानर के हाथ से कमंडल लेना होगा था। हाँ का, मैं लेकर आता। जो भी मेरे हाथ से कमंडल लेने का प्रयत्न करेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। काना, अब क्या करें? कैसे छीने कमंडल इसके हाथ से?
काना, हमें शीघ्र यहाँ से चलना चाहिए, समय कम है हमारे पास। नहीं था, ये वानर जाति का जीव है, हमें मित्रता है वानर जाति से, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इसकी सहायता करनी होगी। रक्षा रक्षा आप महान हैं प्रभु, मेरे प्राण बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी के वश में आकर आप पर आक्रमण कर रहा था, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। जाइए। प्रसन्नता की बात है तब किसी को जो अग्रांतक के चुंगल से मुक्ति मिली। चलिए आगे बढ़ते। काना, ये स्थान तो बिल्कुल बदल गया है, अब क्या करें, कौन सी दिशा में जाएं हम? वो देखो, आक्रांतक के लिए सरोवर से कमल का फूल ले जाओ। हाँ, दूसरा प्रहर समाप्त होने में भी अधिक समय नहीं। ठीक है का, चलो। काना, बोरा। छल है, वो चाहता है कि हम गणपति के वाहन को क्षति पहुंचाकर पाप के भागी बने। काना, इनके दांत कितने नुकीले हैं, क्योंकि इन्होंने हमें काट लिया तो हमारा कोई निशान नहीं बचेगा। काना, फिर चलिए भागते हैं। तो पत्थर को भी कुतर रहे हैं, यदि तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग इन पर नहीं कर सकते हो तो कोई और उपाय सोचो काना, शीघ्र अति शीघ्र।
अक्रांतक, अब सारे कार्य पूर्ण हुए। कहाँ हो तुम, सामने आओ। बालक, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी एक काम बाकी है। ये कमंडल वहां रखो। वो कमल का फूल इस कमंडल में डालो। आछू। मैंने एक मायावी संसार बनाया, तुम दोनों कितनी सरलता से मेरे जाल में फंस गए। मैंने जो तुमसे कमल का फूल मंगवाया था, वो कमल का फूल नहीं बल्कि एक विषैला पुष्प था, जिसे मैंने कमल का आकार दे दिया था। और स्वयं तुमसे तुम्हारे मरने के साधन मंगवाए। ये फूल कैसे हमारा अंत करेगा? इससे जो धुआं निकल रहा है, उससे तुम दोनों मूर्ति बन जाओगे। फिर तुम कैसे बचोगे? मेरे पास मेरा सुरक्षा कवच है, ये देखो। अब तुम दोनों को मूर्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। दाओ, ऐसे ऐसे दिखाओ जैसे हम सचमुच मूर्ति बन गए। मैंने अपनी माया से इन दोनों को प्रास्त कर दिया, मूर्ति बना दिया सदा सदा के लिए, यहाँ का वासी बना दिया। मैंने अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया। अब मुझे इस मायावी संसार की कोई आवश्यकता नहीं। ओम भ्रूम। पर तू मूर्ति से इंसान कैसे बन गया? तुम्हें क्या लगता है संसार में केवल तुम्हें छल करना आता है? तो आज समझ लो, संसार में और भी लोग हैं जो तुम्हारी ही तरह छल कर सकते हैं। तुमने कहा था ना कि ये धुआं विषैला है, जो इसे सूंघता है मूर्ति बन जाता है। तो आ गई तुम्हारी बात। छोड़ दो। ने जितने भी लोगों को यहाँ पे मूर्ति बनाया, उन सबको फिर से मनुष्य बना दो। ना। क्या कमाल की मूर्ति बनेगी ना इसकी। बना दूंगा इंसान, बना दूंगा इंसान। मुक्त करो सबको। अगड़म बगड़म भू। आप लोग जो कोई भी हैं, आपने हम पर बड़ा उपकार किया है। अब मैं जाऊं? अवश्य तुम जा सकते हो, पर कहीं और नहीं। ऊपर जाओ। Yeah.
आप लोग मुक्त हो गए, आप जा सकते। जाओ, परसों तक गुरु परशुराम के निवास पर पहुंचना है। चले चलो।